हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस। आज ये वीडियो हमने टीएन सेशन सर को ट्रिब्यूट के तौर पे बनाया है और ही पास्ड अवे यस्टरडे। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प करेगा। और देखते हैं टीएन सेशन सर के बारे में कुछ बातें। सो ही वॉज अ 1955 बैच आईएएस ऑफिसर and he was chief election office commissioner from 1990 to 1996. So 1990 to 1996 में वो chief election commissioner थे और 1955 batch के IAS officer थे। TN Sheshan sir को हम electoral reform के लिए जानते हैं basically। तो ऐसा माना जाता है कि वो turning point था election commission का India में, कि कैसे उसके बाद election commission reform हुआ और electoral system के अंदर काफ़ी reforms आए। मतलब अगर हम देखें तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो इलेक्शन कार्ड हमारा बनता है, तो वो रिफॉर्म टीएन सेशन सर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए भी सेशन सर जाने जाते हैं। और उससे पहले बूथ कैप्चरिंग की काफ़ी हमारे देश के अंदर घटनाएँ होती थी, तो बूथ कैप्चरिंग के ऊपर भी उन्होंने स्ट्रिक्टली रोक लगाई। उसके बाद से काफ़ी रिफॉर्म हुआ सारा सिस्टम। अब हम देखते हैं कि उनकी लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं। टीएन सेशन सर के लाइफ का एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर जो है वो पॉलिटिशियंस द्वारा डाले गए थे। एक बार उनको किसी पॉलिटिशियन ने अपनी कार में बिठा के लेके जा रहे थे, तो उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे कि आप हमारी बात मान लो, बट ही रिफ्यूज्ड। उसके बाद उस पॉलिटिशियन ने टीएन सेशन सर को बीच सड़क में उतार दिया। अब उस टाइम पे जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन वो उस रूरल एरिया के अंदर 5-6 घंटे वेट करने के बाद बस से अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचे। तो ये उनका मतलब एक कैरेक्टर था, एक कैसे वो एक रोल मॉडल थे सबके लिए। बहुत एस्पिरेंट के लिए टीएन सेशन सर रोल मॉडल होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या वैल्यूज़ हम उनसे सीख सकते हैं। वैल्यूज़ दैट वी कैन लर्न फ्रॉम हिम, ऑनेस्टी। वो अपनी ऑनेस्टी के लिए पूरे आईएएस कम्युनिटी के अंदर बहुत फेमस थे और इम्पेकेबल इंटीग्रिटी थी उनमें। वो बिल्कुल झुकते नहीं थे किसी, हर प्रकार के प्रेशर को उन्होंने झेला। उनके ऊपर काफ़ी हर तरफ से उनके ऊपर काफ़ी प्रभाव डालने की कोशिश की जाती थी, बट वो किसी के आगे झुकते नहीं थे। ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एक इंसिडेंस है कि कैसे मीडिया उनको बुली कर रहा था, उनको एल सेशन, एक डॉग ब्रीड से कंपेयर करके। तो टीएन सेशन सर की ये स्टेटमेंट थे कि ट्रीट मी लाइक अ बुलडॉग, आई एम अ बुलडॉग, कि मुझे बेटर ब्रीड के साथ आप करो, कि मैं अग्रेसिव और ताकतवर एक व्यक्ति हूं। तो ये उनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की ऐसे निशानी थी। अब उनसे और क्या सीखेंगे हम, ही वॉज करेजियस। हर अपने ऊपर एडमेंट रहना, कुछ भी हो मतलब हर प्रकार के जो प्रेशर है उसको झेलते रहना। प्रिजर्वरेंस भी एक उनका करेक्टर ट्रेट था। कैसे, मतलब वो परसिस्टेंट रहते थे अपने जो भी वो काम करते थे उसके अंदर, कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए तो। और वो गाइडिंग जो है फोर्स थे अपने सक्सेसर्स के लिए। हर जो उसके बाद जो इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सबकी ये स्टेटमेंट है कि टीएन सेशन वाज अ रिमार्केबल इलेक्शन कमिश्नर। अब इनडोमिटेबल विल थी उनमें, जो चेंज आपको लेके आना होता है उसके लिए आपको इनडोमिटेबल विल चाहिए होती है। महात्मा गांधी ने भी ये कहा है कि रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन इज इनडोमिटेबल विल, नॉट द मसल स्ट्रेंथ। कि इनडोमिटेबल विल जो होती है वो आपको चाहिए होती है अगर आपको कुछ चेंज लेके आना है सोसाइटी के अंदर, सिस्टम के अंदर अगर आपको कुछ चेंज लेके आना है। तो ये ओवरऑल हम इनसे ये सारे बातें सीख सकते हैं। अगर आप इन वैल्यूज को अपनी लाइफ में अपनाते हो तो आप वाकई एक बेहतरीन इंसान बनोगे। थैंक यू।